नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं जो हम साइलेज का प्रोसेस दिखाने जा रहे हैं आपको, कि फर्स्ट टाइम हम साइलेज खुद अपना तैयार कर रहे हैं इस बार। और ये भी आप देख लीजिए कि एंड ऑफ अगस्त मंथ में मानसून का एंडिंग है, देखिए क्लाउडी सीज़न है, तो इस टाइम पर हम मानसून के एंड में ये साइलेज डाल रहे हैं। इसका थोड़ा सा आपको रीज़न भी बताएँगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जो होता है कि स्टार्टिंग में ही डाल लेते हैं, जो कि जून और मई जून के महीने में, तो इस टाइम तक तो उनका साइलेज ओपन भी हो जाता है, बट इसके भी कुछ रीजंस थे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जो फार्मर्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए, इसका बताना चाहूँ कि इस सीज़न में ज़्यादातर बारिश होती रहती है, दिन रात कभी पता नहीं होता कि सुबह शाम कब बारिश हो जाए। तो पहले तो हमारा नहीं था विचार साइलेज बनाने का, बट ज़्यादातर हमारा यूसेज जो होती थी वो ये पैक्ड साइलेज आता था हमारे पास, और ये परचेज़ करते थे हम तकरीबन 6 रुपये, 7 रुपये और 7.5-8 रुपये तक रेट चला जाता है ये, जो कि हम देखें कि बहुत महंगा हो जाता है। बट इस बार जो ये तूड़ी है हमारे पास स्टॉक में, भूसा जिसको बोलते हैं, तो तूड़ी का रेट भी 12 रुपये तक चला गया है। तो हमारे मन में तो यही आया कि अगर तूड़ी 12 रुपये में हम ले रहे हैं तो एनिमल्स की फीडिंग के लिए इतना तो ध्यान में रखा जाए कि हमारे पास, क्योंकि एवरी टाइम हमारे खुद के डेयरी पर्पज़ के लिए 40 एनिमल्स तो हैं हमारे पास, जिसमें कि 30 भैंसे और 10 गायें हैं, और सेल परचेज़ के लिए 15-20 एनिमल भी रहते हैं। तो 70 एनिमल्स का डेली का खिलान पिलान, तो अगर हम साइलेज ख़रीद के डालेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इस बार क्या हुआ कि थोड़ा लंपी की वजह से काउज हमने कम की ख़रीदनी, बफेलोज अभी काफ़ी हैं हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल, और इस टाइम पे थोड़ा फ्री टाइम था तो ये हमारे पास स्पेस खाली थी तकरीबन 30-25-30 फीट की, तो इसको हमने यूटिलाइज़ किया। और कल मैंने यहाँ पर JCB से तकरीबन 3 फीट गहरा गड्ढा पूरा बनवा के, और 70 फीट लॉन्ग है जी, और चौड़ाई में आपको बता दूं ये 22 फीट चौड़ा है और 70 फीट लंबाई है। तो इसमें आज मशीन्स हमने लगवा दी हैं, दो तरह की मशीन्स लगी हुई हैं, तो मैं खेत में भी जाऊंगा एक बार कल आपको दिखाने के लिए। इस टाइम तो अभी शाम का टाइम हो गया है, तो ये देख लीजिए। और दाना आपको बता दूँ कि हमने जो यूज़ किया है काफ़ी अच्छा है मक्की इस टाइम, तो मक्की का रेट भी सही मिल रहा था, तो इसलिए हमने पर एकड़ के हिसाब से 40,000 में ख़रीदा है पर एकड़। तो बाकी साइलेज बनाने के लिए मशीनरी, लेबर, ये सब का अराउंड 12,000 पर एकड़ का खर्चा आ जाएगा। तो ओवरऑल तो एंडिंग में जब हम इसको 2 महीने बाद ओपन करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बताएँगे, बट ये है हमारा मेस जो हम मक्की इतने दाने में हमने तैयार करी है। तो इसको साइलेज बनाने जा रहे हैं इस बार पहली बार, देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट मिलता है हमें। और नए फार्मर्स के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि देखो, स्टार्टिंग करनी है आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी। हम भी डेयरी फार्मिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, बट हर साल हम ख़रीदने में लग जाते हैं कि अपना नहीं बनाते, क्योंकि हमें ये लगता था कि इससे वेस्टेज बहुत होती है, टाइम की भी और लेबर की भी ज़रूरत रहती है, प्लस केयर की भी ज़रूरत होती है, उसके लिए चाहिए टाइम फ्री। तो इस बार अभी टाइम था हमारे पास और थोड़ा फोकस मैंने किया कि इस बार चलो एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही हम यूज़ करते हैं। तो तकरीबन 7-8 एकड़ मतलब 8 एकड़ का हम साइलेज बनाने जा रहे हैं, तो ये पिट मेरे ख्याल से इनफ होगा, 70 फीट लंबा, 22 फीट चौड़ा और 2.5 से 3 फीट गहरा, और इसको ऊपर भी ले जाएंगे 2-3 फीट। और ये साइड में हमने रैपिंग की है, रैपिंग करने का मेन मकसद ये होता है कि मिट्टी जो आसपास की है वो नीचे खिसक के ना आए, क्योंकि ये कच्ची यहाँ पे मिट्टी है, और ये जो ऊपर आप मिट्टी देख पा रहे हो, जब हम इसको पूरा पैक करेंगे तो ये मिट्टी उसके तिरपैल के ऊपर, जो शीट के ऊपर गिरा देंगे, और इसको पूरा प्रेस करना है। अभी ये अंकल आ चुके हैं, ट्रैक्टर चलाएँगे, और जो भी हमारे पास अभी ट्रैक्टर ट्रॉली में मतलब आ रहा है मक्का, वो हम प्रेस करते ही जा रहे हैं। जितनी अच्छी आपकी प्रेस ग्रिप होगी इसमें से, तो ये देखिए ये पानी निकल चुका है इसमें, मक्की में से काफ़ी पानी निकल रहा है, मेरे पैर भी मतलब पानी से भर रहे हैं इस टाइम,
क्योंकि मॉइस्चर बहुत होता है इसमें, हमें मॉइस्चर निकालना होता है, इसमें से ऑक्सीजन निकालनी पड़ती है। उसके निकल जाने से ही अंदर दाना तैयार होता है और साइलेज पूरा बनता है और फंगस वगैरह से बचाव रहता है। भेद तो ये देखिए आज का ये प्रोसेस है, बाकी कल मैं इसकी और वीडियो शूट करूँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया है और जो लेबर वगैरह लगे हुए हैं काम में उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करें। तो आप भी बताइए कि कल इसकी नेक्स्ट पार्ट टू करेंगे जिसमें कि ये ऑलमोस्ट जब पूरा पिट भरने लायक हो जाएगा तब हम पूरा उसमें शो करेंगे कि कितना साइलेज इसमें आया और कितना हमने इसमें किया। आगे जा देख लो। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि अगर दूसरी ट्रॉली आती है